हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्टिक्स वन एम में। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन दिया है, सेक थीटा -10 थीटा इज इक्वल टू 4/3, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, जब भी हमें सेक थीटा -10 थीटा दिया, एक तो इसका ये मेथड है कि सेक थीटा को लिखें हम 1/cos थीटा -sin थीटा/cos थीटा, तो वो आएगा हमारे पास 1 -sin थीटा/cos थीटा। या फिर आपको डायरेक्ट याद रखना कि साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू P² -1/P² + 1। अब ये पी क्या है, अगर हमें दिया हुआ है सेक थीटा -10 थीटा इज इक्वल टू P, और तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या बन जाएगा, 1/P। तो इन दोनों को यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमें साइन थीटा मिलेगा P² -1/P² + 1। ये आपको डायरेक्ट याद रखना, तो क्या आ जाएगा, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू P² यानी कि 4 4 16/9 -1, 16/9 + 1। तो 16 में से 9 के 7/9 आएगा, यहाँ भी 7/9 आएगा, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, 16 + 9 = 25। कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी, 7/25। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें, cos θ + sin θ = √2cos θ, देन cos θ - sin θ। आप इसे भी कर सकते हैं, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ क्या होता है, कि cos θ + sin θ = ए दिया है, यहाँ ए लिख लो, ए cos θ, B sin θ = C दिया है, और यहाँ दे दिया हमें A sin θ - B cos θ = D। तो इसमें एक फॉर्मूला बन जाता है, यहाँ से A² + B² = C² + D²। तो यहाँ से हमें कोई सी भी एक वैल्यू पूछ ले, हम फाइंड कर सकते हैं, अगर A पूछे, B पूछे या C और D। यहाँ अब इसे हम कैसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि cos θ और sin θ दिया। अब यहाँ पर देखो आप, बस ये ध्यान रखना, ए के साथ cos θ तो यहाँ पर साइन आएगा, और अगर यहाँ ए के साथ sin θ होता तो ए के साथ यहाँ पर बी के साथ cos θ। तो आपको देखना कि यहाँ ए की वैल्यू 1 है और बी की भी 1 है, और सी की हमें ये दी है और डी की पूछ रहा है, तो इसे कैसे करेंगे, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1, और c इज इक्वल टू √2cos θ, और d की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या होगा, a² + b² 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 1 + 1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, √2 का स्क्वायर 2 और cos²θ + d²। तो 2 ये इधर आएगा तो -2 cos²θ, और ये d², तो d की वैल्यू क्या आएगी, 2 कॉमन आ जाएगा, 1 - cos²θ और 1 - cos² ये है d² है, तो 1 - cos²θ क्या होता है, sin²θ, तो ये क्या आ जाएगा, √2sin θ। अब यहाँ पर देखो d² है क्योंकि इधर आएगा तो अंडर रूट में, और जब भी ये स्क्वायर से इधर आएगा तो किसका आएगा, प्लस माइनस का। अब यहाँ पर तो हमें खैर प्लस माइनस √2sin θ आ गया, हमारा कितना आया, प्लस माइनस √2sin θ, लेकिन हमें यहाँ तो ऑप्शन में सिर्फ प्लस का ही दिया है, तो हमारा आंसर यही होगा। लेकिन आप ये भी ध्यान रखो कि प्लस कहाँ था और माइनस कहाँ, अगर हमें एंगल दिया होता, हाँ जैसे कंडीशन दे देता, अगर 0 से x हमारा किसके बीच है, π/4 के बीच, तो अगर आप देखो 0 से π/4 के बीच क्या बड़ा होता है, cos θ या sin θ,
तो 0 से π/4 के बीच क्या बड़ा होगा हमारा कॉस थीटा। तो फिर ये वैल्यू पॉजिटिव आती, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर ये π/4 से π/2 कंडीशन दी होती तो हमारी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती। तो ऐसे हम हमें कोई कंडीशन दी हुई नहीं है, और ऑप्शन में भी सिर्फ एक ही है, √2 sin थीटा। तो हमारा आंसर यही होगा। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, तो क्वेश्चनों में सॉल्व होने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप सीख जाओगे और आप करोगे तो क्वेश्चन बहुत फास्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें sin²5° +sin²10 +sin²15 up to sin²19°। देखो, एक पहले तो बात समझो, sin²a + sin²b बन होता है कब, जब a + b 90° हो। क्योंकि sin²a, इसे हम क्या लिख सकते हैं, sin²b को 1 - cos²a, तो 1 इधर से कैंसिल, तो 1 - cos²a, तो sin²a + cos²a कितना बनेगा, 1। अब a + b 90 है, तो हमें यही बस ध्यान रखना है। अब हाँ, जोड़ा बनाएंगे हम, 90 बन जाए, जो 5 के गैल किसका बनेगा, 85 का, ऐसे 10 के गैल 80 का बनेगा, 15 के गैल 75 का, ऐसे हमारे पेयर बनेंगे। अब ये देखना कि कितने पेयर बनेंगे, 45 और 90 तो अलग अलग रहेंगे, क्योंकि 45 के गैल किसी का पेयर नहीं बनेगा और 90 के साथ भी नहीं। तो ये इसे तो अलग लिख लो, sin²45, इसका मान क्या आता है, 1/2, और sin²90, इसका मान 1। तो ये तो अलग हो गए। अब ये देखना हमें ये कैसे फाइंड करें, कितने जोड़े बनेंगे। तो सबसे पहले आप, हाँ क्या है, 85 और हाँ 5, जो पहला जोड़ा बनेगा 5 और 85 का बनेगा, 85 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो, और जो पहले पहली हाँ डिजिट दिया, जैसे 85 के गैल जो पहला जोड़ा बना है वो 5 का, उसे नीचे ले लो और √2 और कर दो, बस इतना काम करना। तो 85 में से 5 80/10 8। अब हम इनने जोड़ देंगे, 8 तो हमारे जोड़ों से आ गया, 5 10 15, ये जोड़ा बनेंगे 8, और 1 इसका था, और sin²45 का मान 1/2, तो ये कितना आएगा, 9 सही, 1/2। तो ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें वैल्यू ऑफ sin50 cos 10 + cos 50 cos 80। अब देखो, हमें यहाँ से कुछ फॉर्मूला सा दिख रहा है, sin A cos B, लिख देता हूँ मैं sin A cos B + cos A sin B। लेकिन यहाँ साइन नहीं है, यहाँ कॉस दिया है, तो कॉस को हम साइन में कैसे बदलते हैं, हमें पता है साइन ए कितना हो जाएगा, cos 90 - A। तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, cos 90 - 90 + 10 कर लेंगे तो sin 10 बन जाएगा, ये 90 - 10 करेंगे तो 80 बन जाएगा, और cos 19 - 10 करेंगे तो वो sin 10 बन जाएगा। तो वही फॉर्मूला बनना है हमारा, देखो कैसे करते हैं इसे। sin 50 लिख देता हूँ मैं, sin 50 cos 10 + cos 50, और ये क्या बन जाएगा, sin 10। आ गया ना समझ में आपको, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं cos 90 - 10, और cos 90 - θ कितना होता है, sin θ, तो sin 10। तब ये क्या फॉर्मूला बन गया, sin A cos B cos A sin B। तो क्या होता है फॉर्मूला, होता sin A + B, तो 50 + 10 कितना आ जाएगा, 60। sin 60 का मान 1/√3/2। तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन ये सीधा नहीं आ रहा, चलो मैं लिख देता हूँ इसे। क्वेश्चन दिया हमें अंडर रूट में 1 + cos θ 1 - cos θ।
इसका हमें वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन में टेन थीटा वाई टू कॉट थीटा वाई टू और एक है सेक थीटा वाई टू और डी था नन ऑफ दीज। तो देखो 1 + sec थीटा कितना होता है ये सभी पता होगी। 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा होता है 2 cos² θ/2 और 1 - cos थीटा 2 sin² θ/2। 2 से 2 कैंसिल, cos² / sin² tan² θ/2 और स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो कितना आएगा टेन थीटा बाई ओ सॉरी कॉट थीटा बाई टू, क्योंकि ऊपर कॉस है नीचे साइन है तो कॉस अपॉन साइन कॉट। आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए, जैसे कहीं 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा दिया तो आपको डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए इसका मान कितना होता है cot² θ/2। अब अंडर रूट लग रहा है तो अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो कितना आएगा cot θ/2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी हमारा ऐसे ही लिख रहा है, चलो मैं लिख देता हूँ। ये दिया हमें अंडर रूट 1 + sin x / 1 - sin x। चलो इसे सॉल्व करते हैं। ऑप्शन से क्या आपको सॉल्व करना आना चाहिए, 1 + sin x / 1 - sin x। ये इसे हम ऑप्शन दिया हुआ है तो हम इसे एक तरीके से और कर सकते हैं एंगल पुट करके, लेकिन हमें सॉल्यूशन भी आना चाहिए। अब देखो 1 + sin x है, 1 + sin x है नीचे 1 - sin x। 1 + sin x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं sin² xy2 sin² xy2 प्लस cos² xy2। ये हमने किसकी जगह लिख दिया 1 की जगह प्लस। अब साइन एक्स को कैसे तोड़ लेंगे हम, 2 sin xy2 और cos xy2। ठीक है, ऐसे नीचे वाले खोलेंगे हम sin² xy2 प्लस cos² xy2। हाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस है, 2 sin xy2 cos xy2। अब यहाँ से क्या आएगा देखो, sin² xy2 प्लस cos² xy2 प्लस 2 sin xy2 cos xy2। तो ये फॉर्मूला बनना है a² + b² + 2ab, तो a + b² मतलब sin xy2 प्लस cos xy2² अपॉन sin xy2 माइनस cos xy2² ठीक है। हम इसे थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, अब देखो यहाँ अंडर रूट है तो दोनों के स्क्वायर खत्म हो जाएंगे तो ये बनेगा sin xy2 प्लस cos xy2 अपॉन sin xy2 माइनस cos xy2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ से इसे दोनों को अलग अलग करेंगे, ये मेथड कुछ लंबा हो जाएगा, इससे तो हम इसे यहीं की रेशनलाइज कर देंगे, उससे अच्छा रहेगा, रेशनलाइज कर लेते हैं इसे। क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन दिया 1 + sin x / 1 - sin x, तो ऐसा ही कहें रेशनलाइज कर दो, उससे जल्द वो लंबा बैठ रहा है इसलिए, तो नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस, 1 + sin x / 1 - sin x, तो ये क्या आएगा, ऊपर तो स्क्वायर हो जाएगा 1 + sin x / 1 - sin x² और अंडर रूट 1 - sin x / 1 - sin x² करेंगे तो कितना आएगा,
अंडर रूट तो प्लस हो जाएगा, तो वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसे सॉल्व करेंगे तो वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वन प्लस ये अंडर रूट में, तो अंडर रूट से कट जाएगा, तो वन प्लस साइन एक्स आ जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा और नीचे कॉस एक्स बन जाएगा। ये अंडर रूट में था क्योंकि अंडर रूट में आता पूरा, वन माइनस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, और स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो कॉस एक्स। तो अब आंसर क्या आएगा, वन अपॉन कॉस एक्स कितना होता है, सेक एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। आज के बाद आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखना कि अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स का मान कितना होता है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ कॉस एक्स। इसमें सिर्फ कॉस एक्स की पूछा है, लेकिन आपको याद होना चाहिए साइन एक्स टेन एक्स और सब की। तो कॉस एक्स के क्या होती हैं, -1 और 1। कॉस एक्स की जो मिनिमम वैल्यू जो आती है वो आती है -1, जो कि हमें कॉस 180 पर मिलती है, और मैक्सिमम क्या आती है, 1, जो कि हमें 0 पर मिलती है। तो यही एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं। ऐसी साइन के लिए क्या होती हैं, साइन के लिए भी -1 और 1 होती हैं, ये क्लोज ब्रैकेट में आएंगी क्योंकि -1 और ये इंक्लूड होती हैं। ऐसे टेन के लिए ऑल रियल नंबर्स, कॉट के लिए ऑल रियल नंबर्स, और कॉस और सेक की भी ऐसी होती हैं कि -1 से 1 उसमें ओपन ब्रैकेट आता, और साइन में भी वो कोसेक में भी -1 से 1 ओपन ब्रैकेट में होती है, लेकिन उसमें 0 नहीं आती। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कोसेक और सेक की भी लिख ही देता हूँ। कोसेक की होगी ऑल रियल नंबर होती है, बस इसमें -1 और 1 के बीच की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। ऐसे सेक की भी सेम रहती है, तो याद रहेंगी कॉस और साइन की सेम रहती हैं, कॉस सेक की और टेन कॉट की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारा उल्टा हो रहा है, ये सेम है जो मैंने अभी कराया था, ये सेम है, 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा। वहाँ अल्फा दे दिया हमने, वो थीटा लेके किया था। ये क्वेश्चन दिया हमें, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आपको ध्यान रखना, कभी भी ऐसे आए साइन एक्स कॉस एक्स, इसका एक फॉर्मेट होता है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अगर ऐसे हमें दिया हुआ है और इसकी मिनिमम या मैक्सिमम पूछी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो आती है वो आती है माइनस अंडर रूट में ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसी मैक्सिमम आती है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस की रहती है, ये माइनस की। तो हाँ क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 है इसके आगे और कॉस के आगे भी 1 है, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस का अंडर रूट 2। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो वो प्लस की अंडर रूट 2 आती। इसके और भी इस टाइप में और भी आते हैं, मैं उनमें भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे कि एक में ऐसे होता है क्वेश्चन, इस टाइप में आता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x। इसकी पूछ लेता है कि मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम क्या है। तो इसका एक वो होता है फॉर्मेट, देख लो पहले। तो जैसे कि साइन टू एन एक्स प्लस कॉस 4n, यहाँ मतलब 2 का कोई भी फैक्टर हो सकता है, 4 या 2, तो मैं यहाँ 2 ही लिख देता हूँ, 2n x। अगर इसमें फॉर्मेट में कोई दिया और उसकी मिनिमम या मैक्सिमम पूछी है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है उसके लिए हम थीटा को 45 पुट करते हैं, और मैक्सिमम हमेशा ही
वन होती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? वन होगी। और मिनिमम निकालें तो क्या होगी? थीटा को 45 रखेंगे तो हाँ 45 रखा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, प्लस इसकी निकालेंगे तो 1/2, 1/√2 का पावर 4, तो 1/2 और इंटू 1/2, 1/4। तो सॉल्व करेंगे, 4 2 2 जब 4 प्लस 1, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 3/4, और मैक्सिमम क्या आएगी? 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, चलो मैं लिख देता हूँ, हमें दिया है टेन थीटा इज इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस अप टू इन्फिनिटी, ऐसे दिया हुआ है हमें क्वेश्चन। और वैल्यू पूछ रहा है सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इसे कैसे करेंगे? देखो टेन थीटा, और आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। कभी भी ऐसे अप टू इन्फिनिटी दे, जैसे प्लस हो बीच में, प्लस और इसके आगे, हाँ देखो कुछ है नहीं तो इसके आगे वन मान लो, वन। तो हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनकी जो है मतलब डिफरेंस वन हो, जैसे कि 3 × 2, 2 3 जा 6 भी हो गया, और इनका डिफरेंस कितना? 1। अब जब प्लस है, अगर हाँ प्लस प्लस आ रहा है तो बड़ी वैल्यू इसका आंसर होगी, और जब माइनस आ रहा है तो छोटी वैल्यू इसका आंसर होगी। तो इसका पूरे का जो सॉल्व करके आएगी वो आएगा 3। अब हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा? 1 + tan² θ। तो 1 + tan² θ मतलब टेन थीटा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर क्या आएगा? 10। और आप एक और समझ लो, जैसे मैंने ये बताया हाँ 1 1 है, इसमें एक और क्वेश्चन होता है, जैसे कि दे दिया 35 और ऐसे 35 35 ऐसे दे दिया अप टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या है? 2। तो हमें इसके फिर ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनका डिफरेंस 2 हो, क्योंकि यहाँ जो दिए होते हैं नंबर 2 या 3 कुछ भी, वो इनका डिफरेंस होता है इसके फैक्टर का। तो 7 5 जो 35, अगर आप प्लस प्लस आएगा बीच में, सॉरी यहाँ मैंने कुछ लगाया नहीं, प्लस प्लस आएगा तो 7 आंसर होगा, और बीच में माइनस माइनस आएगा तो 5 आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पीरियड पूछा, चलो मैं आप पीरियड को बता देता हूँ, पीरियड पीरियड कैसे निकालते हैं। जैसे हमसे पीरियड पूछ लिया, पीरियड ऑफ साइन x y 4, अब इसका हमें पीरियड बताना है, तो कैसे निकालेंगे? पहली बात तो साइन और कॉस जो रिपीट होते हैं वो होते हैं 2π पर, तो इनके पीरियड निकालने का ये मेथड है। कभी भी ऐसे दिया हो हमें, अगर डिवाइड में दिया तो उसे 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 8π आ जाएगा। और कभी भी हमें ये, जैसे हम डिवाइड में ना देके हमें इसे मल्टीप्लाई में दे देता है sin 4x, तो फिर हमें इसे 2π के, हाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में लेते हैं तो π/2। सेम कॉस के लिए होता है, और टेन के लिए पाई पर रिपीट होता है, तो बस वहाँ हम जहाँ 2π करते हैं टेन और कॉट में पाई कर देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 1 + tan²x − 2 tan x। एक बार देख लेते हैं, 2 tan x = 0 दिया, = 0। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, और इसमें एक कंडीशन भी दी है कि x जो हमारा 0 से 90 के बीच है, ठीक है। तो अब पहली बात तो इसमें हम जो ऑप्शन दिए थे वो दिए हैं 30 45 60, और d पर 9 90 है। तो पहले तो 30 से
जीरो से 90 के बीच देखना, तो एक तो यही ऑप्शन है कि हम ऑप्शन रख के देख लें। ऑप्शन की वैल्यू रखेंगे जैसे 30 रखें, 30 क्या होती है, 1/√3, 1/3 आएगा तो उससे तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ रूट आएगा जबकि जीरो आ रहा है। 45 रखेंगे तो 45 का मान 1, तो 1 + 1 - 2 × 1, तो 2 - 2 = 0, तो 45 से वेरीफाई होगा। एक तो ये है, अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो दूसरा मेथड इसका ये है, इसे पहले इरेज कर लेते हैं। दूसरा ये है कि आप ऐसे कर सकते हैं, 1 + 10² x - 2 tan x है तो ये आपको दिख रहा होगा, a² + b² - 2ax, तो ये क्या बन जाएगा, ए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मार्कर ठीक नहीं चल रहा, तो 1 - 10x का ये होल स्क्वायर है, तो इसे 0 के इक्वल है, तो 1 - 10x 0 के इक्वल होगा, और यहाँ से क्या आएगा, 10x = 1, और 10x = 1 है तो x का मान कितना होगा, 45। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, चलो मैं इस टाइप के भी आप क्वेश्चन बता देता हूँ। इनमें हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एंगल को सब्स्टिट्यूट करके, जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, sin 4 थीटा + cos 4 थीटा - sin 6 थीटा + cos 6 थीटा। अब इसका हमसे मान पूछ रहा है क्या होगा इसका वैल्यू, तो इसका सिंपल मेथड है कि थीटा को कुछ भी रख लो, या तो 0 रख लो, अगर साइन और कॉस कभी भी दिया तो 0 या 90 इनमें से पुट करो। अब मैं इसको 0 रखूंगा तो ये 0, यहाँ से 1 मिलेगा, फिर माइनस ये भी 0, यहाँ से 1 मिलेगा, तो 1 - 1 0 आ जाएगा आंसर। ऐसे ही देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें दिया है 3 sin 4 थीटा + cos 4 थीटा - 6, इसे यहाँ से हटा देते हैं, हाँ लिख देते हैं 6 sin 6 थीटा + cos 6 थीटा + 3। आंसर क्वेश्चन वो कुछ भी दे सकता है, बस आपको यह ध्यान रखना कि हमें कोई कंडीशन दी हुई नहीं है, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन दिया है एंगल की टर्म्स में और हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें करना क्या है, यहाँ थीटा को हम 0 रख लेंगे या चलो 90 रख लो, तो sin 90 कितना होता है, 1 - 1 की पावर 4, 1 + 0 यहाँ से 1, तो 1 × 3 = 3 मिल गया, फिर -6, ऐसे यहाँ से भी 1 मिलेगा, तो 6 - 3 - 6 और +3 है, तो 3 और 3 6 - 6 0। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, और भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ डिवाइड में दे देता है एग्जामिनर, ऐसे भी देता है कोई क्वेश्चन, sin³a + sin³3a - cos³a + cos³3a। अब ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो हम जो इनने छोड़ के आते हैं ज़्यादातर एग्जाम में, क्योंकि हम घबरा जाते हैं क्वेश्चनों को देख के, इतना बड़ा क्वेश्चन है कुछ दिमाग में नहीं आता, तो इसका यही सबसे सिंपल तरीका है कि कोई भी इसमें एंगल पुट कर दो। अब ये साइन कॉस में है तो सबसे बेटर तो यही है, इसमें 0° कर लो पुट, तो यहाँ 0 करेंगे तो ये भी 0, यहाँ पुट करेंगे 0 0, और यहाँ 0 करेंगे तो sin 0 1 1 की पावर 3 1, और sin 0 cos 0 यहाँ भी 1, तो 0/2 तो कितना आएगा 0। तो अब बस आपको ध्यान रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें एंगल सब्स्टिट्यूट करना। अब साइन और कॉस में 90 और टेन और कॉट आए तो उसमें ज़्यादातर 45 भी होता, सेक कॉस में 30 और 60 कर सकते हैं हम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।
और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।